भारत बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों के बीच वर्चुअल समिट पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम हसीना शेख ने किया संबोधित। कई अहम मुद्दों पर हुई सहमति और हस्ताक्षर। ऑपरेशन फोर्सेस पर बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत को आपके साथ विजय दिवस के रूप में मनाना हमारे लिए गर्व की बात है। आज जब बांग्लादेश आजादी के 49 वर्ष मना रहा है, मैं दोनों देशों के शहीदों को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। दिल्ली में किसान आंदोलन के समर्थन पर बीजेपी ने सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरा। मीनाक्षी लेखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, समर्थन के नाम पर आप कर रही है नौटंकी। केजरीवाल को बताया मुखौटेबाज नेता। सरकार लेके आई थी उसको दिल्ली राजपत्र में 23 नवंबर को नोटिफाई किया गया। ये नोटिफिकेशन आप सबके सामने है और ये नेट पर सब जगह आपको मिल जाएगी। ये दिल्ली सरकार की नोटिफिकेशन है। यू टर्न में एक्सपर्ट, धोखे की राजनीति, फरेब की राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी और उसके मुख्यमंत्री, ये नाटक फिर चालू किया हुआ है। अब ये विधानसभा के अंदर खड़े होकर एक्ट की खुद नोटिफाई किया 23 नवंबर को, आज नाटक नौटंकी विधानसभा में चालू हो गई। मुंबई मेट्रो कार शेड निर्माण को हाईकोर्ट ने रोका। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर बोला हमला। मुंबईकरों को मेट्रो से वंचित रखना चाहती है महाअघाड़ी सरकार, ईमानदारी से काम करने का दिया सुझाव। सरकार इसमें जितना लेट करेगी उतना एस्केलेशन कॉस्ट बढ़ेगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी आई है कि एक दिन का डिले जब मेट्रो में होता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसमें इंटरेस्ट की कॉस्ट मिलाकर 5 करोड़ रुपए का नुकसान होता है रोज का। और पिछले साल भर से इस मेट्रो को इस सरकार ने अटका के रखा है, तो कितना नुकसान इसमें हो रहा है। अगर ये सरकार इस बात को समझे कि आपके ईगो के लिए आप जनता के पैसे का कितना नुकसान कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं सरकार को समझना होगा। बंगाल में ममता बनर्जी के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने छोड़ी पार्टी। टीएमसी में मचा हड़कंप। कई और बड़े नेताओं के पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की संभावना। बंगाल सरकार के सामने पैदा हुआ संकट। मुंबई मंत्रालय की तरह मंदिरों में भी लगे महिलाओं के जींस पहनकर आने पर पाबंदी। हिंदू जनजागृति समिति की महाराष्ट्र सरकार से मांग, कहा जींस पर लगेगी पाबंदी तो बढ़ेगी हिंदू संस्कृति। महाविकास आघाड़ी सरकार ने मंत्रालय के लिए जारी किया है नया ड्रेस कोड। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए एक ड्रेस कोड लागू किया है, वस्त्र संहिता लागू की है, जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारी सरकारी कार्यालयों में जींस टी शर्ट्स पहन के या भड़क रंग के वस्त्र पहन के आने में उनको पाबंदी है। इसी प्रकार महाराष्ट्र के सभी मंदिरों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इसी प्रकार की एक भारतीय संस्कृति के अनुसार वस्त्र संहिता ड्रेस कोड लागू कर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारत ने 233 पर खत्म की पहले दिन की पारी। 4 मैचों की होगी श्रृंखला। भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे कैप्टन विराट कोहली। आज टेस्ट मैच का दूसरा दिन। किसानों के दुर्दशा देखकर संत बाबा राम सिंह नानकसर वाले ने कुंडली बॉर्डर पर की आत्महत्या। अंतिम दर्शन के लिए उमड़े हजारों सिख। हरियाणा के करनाल के रहने वाले थे बाबा राम सिंह। किसानों की मुश्किल देखकर दे दी जान। ये आपने सभी से सुन लिया होगा कि हमारे को भी सेम मैसेज मिला है, फोन टेलीफोनिक मैसेज आया था कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी शहादत है और नम नाखों से सारे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं, सारी संगत यहाँ पे जुटी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संत राम सिंह की मौत पर केंद्र की सरकार को फिर घेरा। बोले, हद पार कर चुकी है मोदी सरकार की क्रूरता, जिद छोड़कर कानून बदलने की मांग। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फिल्म निर्माता करण जौहर को भेजा समन। ड्रग्स मामले में पूछताछ की तैयारी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही एनसीबी की रडार पर है करण जौहर। हिंदू जनजागृति समिति ने किसान आंदोलन को बताया देश को स्थिर करने वाला षड्यंत्र। वर्चुअल सभा में कपिल मिश्रा बोले,
CAA और NRC की तरह है किसान आंदोलन, राजनीतिक पार्टियां किसानों को बना रही हैं मोहरा। कानून में अगर हमने देखा तो पहले दिन ही खड़े होकर खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे थे, उसके बाद वो ही लोग जो खालिस्तान के लिए 2000 मिशन 2020 खालिस्तान का पिछले 15 साल से तैयारी कर रहे थे, वही लोग सबसे ज्यादा फ्रंट में आके इसकी बात कर रहे हैं जिनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी नाम पर फर्जी आधार कार्ड और पैन बनाकर बैंकों और कारपोरेट कंपनियों में नौकरी का झांसा देकर ठगने वाले गिरोह की महिला सरगना समेत 3 गिरफ्तार, 58 आधार और पैन कार्ड भी बरामद, HDFC बैंक ने दर्ज कराई थी शिकायत। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।